प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, आइए सीधा वहां का रुख करेंगे। के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया गया कि इस बार नीति आयोग के साथ राज्यों के सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ एक अच्छा सा वर्कशॉप भी हुआ इसके पूर्व, और उस चर्चा में जो पॉइंट आए उनको भी इसमें जोड़ने के लिए हमने प्रयास किया है, और इसके कारण काफी सुधार और एक प्रकार से राज्यों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एजेंडा बना है। इस प्रक्रिया से गुजरने की वजह से इस बार गवर्निंग काउंसिल के एजेंडा पॉइंट्स बहुत स्पेसिफिक हैं और हमारी चर्चा को और सारगर्भित बनाएंगे। साथियों, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारे देश के गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में बैंक खाते खुलने से, टीकाकरण बढ़ने से, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने से, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने से, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त शौचालय निर्माण की योजनाओं, उनके जीवन में, खासकर के गरीबों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव नजर आ रहा है। देश में अभी हर गरीब को पक्की छत देने का अभियान भी तेज गति से चल रहा है। कुछ राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ राज्यों को अपनी गति बढ़ाने की आवश्यकता भी है। 2014 के बाद से देखें तो गांवों और शहरों को मिलाकर 2,40,00,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है। आपको मालूम है देश के 6 शहरों में आधुनिक टेक्नोलॉजी से घरें बनाकर एक अभियान चल रहा है। एक आध महीने के भीतर भीतर नई टेक्नोलॉजी से तेजी से अच्छी क्वालिटी के मजबूत मकान बनाने की दिशा में देश के 6 शहरों में नए मॉडल तैयार होंगे। वो भी इस काम के लिए हर राज्य को ये उपयोगी होने वाला है। उसी प्रकार से पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने, कुपोषण की समस्याओं को वो बढ़ाए नहीं, इस दिशा में भी मिशन मोड में काम हो रहा है। जब जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से पिछले 18 महीनों में ही 3.5 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट स्कीम एक बड़े बदलाव का माध्यम बन रही है। ऐसी सारी योजनाओं में जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेगी तो काम की गति भी बढ़ेगी और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना भी सुनिश्चित हो जाएगा। साथियों, इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है, और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, और तभी ये बदलावों के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। हमें भी ये देख कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत में उतना ही अवसर भी देना है। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिले। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे, और यह उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे।
और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। भारत जैसा युवा देश उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, शिक्षा कौशल के बेहतर अवसर उन्हें देने होंगे। साथियों, हमें अपने बिजनेस को, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे हर राज्य की अपनी एक खूबी है, हर राज्य के हर जिले के पास अपना हुनर है, अपनी खासियत है, कई प्रकार के पोटेंशियल्स हम बारीकी से देखें तो नजर आते हैं। सरकार द्वारा देश को ये सैकड़ों जिलों के प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करके उनके वैल्यूएशन के लिए, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। इससे राज्यों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा अभी प्रारंभ हुई है, लेकिन आगे बढ़ाना है। कौन राज्य सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक प्रकार की चीजें एक्सपोर्ट करता है, अधिकतम देशों में एक्सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक मूल्य की चीजें एक्सपोर्ट करता है, और फिर जिलों में भी स्पर्धा कैसे बने, और हम एक्सपोर्ट पर विशेष बल हर राज्य हर जिला कैसे दे। हमें इस प्रयोग को जिलों और ब्लॉक्स के बीच भी लेकर जाना है। हमें राज्यों के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करना होगा। राज्यों से होने वाला एक्सपोर्ट हमें आग्रहपूर्वक और इसका हिसाब किताब हर महीना लेना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। पॉलिसी फ्रेमवर्क और केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर तालमेल भी बहुत जरूरी है। अब जैसे हमारे यहां कोस्टल स्टेट है, मत्स्य उद्योग को, ब्लू इकोनॉमी को और मछली को विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए असीमित अवसर है, असीमित अवसर है। हमारे कोस्टल स्टेट उसके लिए क्यों ना स्पेशल इनिशिएटिव ले। देखिए, इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिल सकता है, हमारे फिशरमैन को बहुत बड़ा बल मिल सकता है। मैं चाहूंगा कि आप इस बात से परिचित हैं कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए एक पीएलआई स्कीम शुरू की है। ये देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने का लाभ भी राज्यों ने बढ़ चढ़ करके उठाना चाहिए। आपने ऐसी कंपनियों का संपर्क करना चाहिए कि दुनिया में इतना कम टैक्स रेट जब किया गया है तो उसका फायदा आपके राज्य को मिलना चाहिए। साथियों, इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए फंड की भी काफी चर्चा हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला ये खर्च देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगा, रोजगार के भी बहुत अवसर पैदा करेगा। एक मल्टीपल इफेक्ट होती है इसकी। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में राज्यों का हिस्सा 40% से इसलिए 40% है और इसलिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र मिलकर अपने बजट को सिंक्रोनाइज करें, प्लानिंग करें और प्राथमिकताओं को तय करें। अब भारत सरकार ने अपना बजट पहले की तुलना में एक महीना प्रीपोन किया है। राज्यों के बजट और केंद्र के बजट में बीच में 3-4 सप्ताह मिल जाते हैं, तो केंद्र के बजट के लाइट में राज्यों का बजट बनता है, तो दोनों मिलकर के एक दिशा में आगे बढ़ते हैं।